जादुई दो भाई। राम प्रकाश के दो बेटे मोहनलाल और श्यामलाल अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों के पास अद्भुत शक्तियां थी जिसके बारे में गांव में किसी को नहीं पता था। पहला बेटा मोहनलाल किसी भी समय गायब हो सकता था और दूसरा बेटा श्यामलाल जब चाहे तब अपने मुंह से आग उगल सकता था। एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा कि यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई श्यामलाल, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों कोई व्यापार करने के लिए शहर चले जाएं, तो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ भैया मोहनलाल, बोल तो तुम सही रहे हो। दोनों भाई व्यापार करने के लिए गांव से शहर की तरफ चल दिए। वो दोनों जंगल के रास्ते शहर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्हें बहुत भूख लग गई थी। भाई श्यामलाल, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ भैया, भूख तो मुझे भी लग रही है, क्यों ना कुछ खाया जाए। दोनों जंगल से कुछ जंगली सब्जियां लेकर आते हैं और श्यामलाल अपनी जादुई शक्तियां इस्तेमाल करता है और मुंह से आग निकालकर सब्जियों को पका देता है। दोनों भाई पेट भर खाना खाते हैं और फिर पास ही के एक झरने से पानी लेकर आते हैं और उसे पीकर थोड़ी देर विश्राम करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक शेर उनकी तरफ आ रहा था। भाई मोहनलाल, अब हम क्या करेंगे, वो शेर तो हमें खा जाएगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं कुछ करता हूँ। मोहनलाल अपने भाई का हाथ जोर से पकड़ लेता है और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने भाई के साथ गायब हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो शेर वहाँ से चला जाता है और दोनों भाई वहाँ वापस प्रकट हो जाते हैं और शहर की तरफ चल देते हैं। शहर पहुंचकर, अरे भाई हम शहर तो पहुंच गए, पर यहाँ हम कौन सा व्यापार करेंगे। बहुत देर सोचने के बाद उनके दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। उन्होंने भुट्टा होम डिलीवरी का व्यापार शुरू करने की सोची। उन्होंने ढेर सारे भुट्टे लाए और श्यामलाल अपनी जादुई शक्तियों से मिनटों में भुट्टों को पका देता है और जैसे ही उसे कोई ऑर्डर आता है, एक मिनट में ही मोहनलाल ऑर्डर लेकर कस्टमर के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, तुम्हारे पास कोई रॉकेट है क्या, बहुत जल्दी डिलीवरी कर देते हो तुम तो। ये लो 100 रुपए एक्स्ट्रा। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों भाइयों का भुट्टे का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उनका नाम शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में आने लगा। ये बात जब उनके गांव में पता चली तो उनके माता पिता को अपने दोनों बच्चों पर गर्व हुआ और वो बहुत खुश हुए। पर उन्हीं के गांव में रहने वाला एक सेठ करोड़ीमल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। अरे ये कैसे हो सकता है, अगर उन दोनों भाइयों ने शहर में व्यापार करके मुझसे ज्यादा पैसे कमा लिए तो गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। करोड़ीमल दोनों भाइयों का बिजनेस बर्बाद करने की सोचता है और शहर में पहुंच जाता है। वहां वो कुछ बदमाश डकैतों से मिला और उन्हें पैसे देकर बोला, ये लो पैसे और कुछ भी करके श्यामलाल और मोहनलाल के व्यापार को खत्म कर दो। सभी डाकू एक साथ श्यामलाल और मोहनलाल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही उनका सामना दोनों भाइयों से होता है, वो उन पर चाकू से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी श्यामलाल अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके मुंह से आग की वर्षा करने लगा और उस आग की चपेट में डाकुओं का सरदार आ गया और उसके पूरे शरीर में आग लग गई। जैसे तैसे सारे डाकू अपने सरदार की जान बचाते हुए वहां से भागे और जाकर करोड़ीमल को उसका पैसा वापस करते हुए कहा, ये लो भैया अपना पैसा, जान बची रहेगी तो जीवन में बहुत पैसे कमाएंगे। और डाकू करोड़ीमल को उन भाइयों की दिव्य शक्तियों के बारे में बताता है। ये सुनकर करोड़ीमल हक्का बक्का रह गया और उसे ये बात समझ में आ गई थी कि वो कभी उन भाइयों को नहीं हरा सकता। करोड़ीमल अपने गांव लौट जाता है
और कुछ ही दिनों बाद दोनों भाई ढेर सारा रुपया कमाकर गांव वापस आते हैं। उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, परंतु करोड़ीमल वो अब भी उन्हें देखकर बहुत जलता है, पर उसे इन दोनों भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहते हैं।